वेलकम बैक। एक और बैड अपडेट निकल कर आ रही है कि स्कैपिया क्रेडिट कार्ड, जो फेडरल बैंक का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड था, उसे अब डिवेल्यूएशन कर दिया है। इसमें एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस को लेकर, फ्यूल सरचार्ज वेवर को लेकर डिवेल्यूएशन किया है। पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ। अब तक मैं हूँ धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाला इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से आप तक पहुँचता रहे। इस क्रेडिट कार्ड पर फ्यूल सरचार्ज वेवर को लेकर जो डिवेल्यूएशन हुआ है, वो हुआ है कि एक महीने में हाईएस्ट आप 500 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर ले पाएंगे। उसके लिए भी आपको ये याद रखना है कि आपका ट्रांजेक्शन 5000 से ऊपर ना हो फ्यूल पर, तब आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। और एक महीने में हाईएस्ट आप 500 रुपये तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर ले सकते हैं। अगर आप फेयर यूज पॉलिसी के तहत क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हैं फ्यूल के लिए 50,000 से अबो, तो वहां पर आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर तो मिलेगा ही नहीं, इसके अलावा आपको 1% का चार्ज एडिशनल पे करना पड़ेगा अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को फ्यूल के लिए 50,000 से अबो स्पेंड करते हैं उन ट्रांजेक्शनों पर। 1% का जो आपको चार्ज लगेगा 50,000 से ऊपर के स्पेंड पर, तो वहाँ हाइएस्ट आपको जो चार्ज पे करना पड़ेगा 3,000 रुपये पे करना पड़ेगा। एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस में जो बदलाव किया गया है, पहले अगर आप स्कैपिया क्रेडिट कार्ड से एक महीने के भीतर 5,000 रुपये अगर आप स्पेंड करते थे, तो नेक्स्ट महीने अनलिमिटेड आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट देखने को मिलता था। बट अब आपको 5,000 रुपये की जगह 10,000 रुपये स्पेंड करना होगा, तभी आपको नेक्स्ट महीने अनलिमिटेड एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट देखने को मिलेगा। यूटिलिटी, टेलीकॉम और केबल स्पेंड पर आपको हाईएस्ट 20,000 रुपये तक के स्पेंड पर ही आपको 10 स्कैपिया पॉइंट मिलेंगे। 20,000 रुपये से अबो के स्पेंड पर आपको स्कैपिया पॉइंट नहीं मिलेंगे। और 50,000 से अगर अधिक इन पर स्पेंड करते हैं, तो वहां पर आपको लगेगा 1% का एडिशनल चार्जेज, जो हाईएस्ट 3,000 रुपये तक का हो सकता है। वॉलेट लोड और रेंट पेमेंट पर आपको 1% का एडिशनल चार्ज लगेगा, और ये हाईएस्ट चार्ज 3,000 रुपये तक हो सकता है। गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजेक्शन और एजुकेशन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन पर आपको यहाँ पर रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। फाइनेंशियल चार्जेज में भी कुछ करेक्शन हुआ है, 3.75% मंथली और 45% आपको ईयरली आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आप ड्यू का टाइम से पेमेंट नहीं करेंगे तो आपको ये चार्जेज पे करने पड़ेंगे, इनमें भी करेक्शन किया गया है। ये सारे करेक्शन 7 सितंबर 2024 से स्कैपिया क्रेडिट कार्ड पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। इन डिवेल्यूएशन से आपको क्या फ़र्क पड़ा है कमेंट कर जरूर बताना। फिर से आऊँगा एक और नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।